रिसेंट प्लान फॉर लेक कल्टीवेशन, लाख उत्पादन की आधुनिक योजना। लाख उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उत्तम प्रकार के लाख उत्पादन के लिए कुछ उन्नत योजनाएं बनाई गई हैं। आजकल दो प्रकार की योजनाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं। पहली है कूपे विधि। लाख उत्पादन क्षेत्र में एक भाग विशेष के सारे वृक्ष एक ही समय में लाख उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते। इसका कारण यह है कि यदि किसी भाग के सभी वृक्ष लगातार लाख उत्पादन में लगे रहेंगे तो सारे वृक्षों को विश्राम ही नहीं मिल पाएगा तथा वृंदन के पश्चात निम्फ एवं वयस्कों को कोसा रस सेल सैप की कमी के कारण पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा, जिससे लाख का उत्पादन प्रभावित होगा। अतः एक फार्म के वृक्षों को 5 समूह में बांटा जाता है। इस प्रकार कृत्रिम रूप से वृक्षों को कई समूह में बांटकर लाख उत्पादन की विधि को कूपे विधि कहते हैं। इस विधि में जब वृक्षों के एक समूह पर लाख का उत्पादन हो रहा होता है तब दूसरे समूह के वृक्ष प्रस्थान अवस्था में रहते हैं। पौधों का एकांतरण, अल्टरेशन ऑफ प्लांट्स। इस विधि में एक फसल लेने के पश्चात पोषक पौधों की किस्म बदल दी जाती है। अतः वृंदन करते हुए निम्न का संरोपण दूसरे किस्म के पोषक पौधों पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक पोषक पौधा काफी विश्राम कर सकता है, जिसके फलस्वरूप लाभ का उत्पादन अधिक अच्छा होता है। लाख उद्योग संसाधन, प्रोसेसिंग ऑफ लैक इंडस्ट्री। जब लाख की फसल पूरी तरह परिपक्व हो जाती है तब अधिकांश लाख प्राप्त कर लिया जाता है तथा इसका कुछ भाग पोषक पौधे पर ही छोड़ दिया जाता है। उचित कृषि के लिए आवश्यक है कि पोषक पौधों की प्रतिवर्ष जनवरी माह में कटाई छटाई की जाए। वह शाखा जिस पर निम्फ में अंडे रहते हैं उसे लाख भ्रूणी टहनी कहते हैं तथा इस लाख को भ्रूण लाख या टहनी लाख कहते हैं। सबसे पहले टहनी लाख को शाखा से खुरच कर छुड़ाते हैं। इस खुरचे हुए लाख में अनेकों अशुद्धियां जैसे लाख कीट के मृत भाग, अंडे, मंजक आदि होते हैं। इस लाख को हाथ से खरल द्वारा कूटा जाता है तथा इस पदार्थ को हवा में सुखाकर कणों के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसे बीज लाख कहते हैं। इस बीज लाख को पानी में भिगोकर, धोकर, धूप में सुखाकर, रंग उड़ाकर 3 से 4 मीटर कपड़े के थैलों में कोयले की आग के ऊपर लटकाकर पिघलाते हैं। गर्म करते समय थैलों को घुमाते रहते हैं जिससे लाख निचुड़कर बाहर आ जाता है। लाख की अशुद्धियाँ थैले में रह जाती हैं। इन्हें किर्री लाख कहते हैं। निचोड़े हुए लाख को बटन नुमा ढांचों के चारों ओर ठंडा करके जमने देते हैं। इन्हें बटन लाख या शुद्ध लाख कहते हैं। इस शुद्ध लाख को जब एक पतली चादर के रूप में फैला देते हैं तब इसे चादर लाख कहते हैं। इस लाख की पत्तर को जब पानी में घोलते हैं तो सफ़ेद नारंगी रंग का लाख बनता है। इसे शल्क लाख कहते हैं। वास्तव में शल्क लाख बीज लाख को पीले आर्सेनिक के साथ एक निश्चित अनुपात में उबालने से बनता है। अतः शल्क लाख ही लाख का शुद्धतम रूप होता है। लाख की किस्में पोषक पौधे पर निर्भर करती हैं। कुशमी लाख सर्वश्रेष्ठ लाख माना जाता है तथा ढाक का लाख सबसे सस्ता लेकिन निम्न स्तर का होता है। लाख की किस्म तथा रंग पोषक पौधे में उपस्थित गोंद तथा रेजिनों पर निर्भर करती है। कंपोजिशन ऑफ लैक, लाख का संगठन। लाख एक जटिल पदार्थ है जिसमें काफ़ी मात्रा में रेजिन, शर्करा, पानी तथा अन्य क्षारी पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न अवयवों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, जैसे रेजिन 68 से 90%, रंजक 2 से 10%, मोम 6%, एल्ब्यूमिन पदार्थ 5 से 10%, खनिज पदार्थ 3 से 7% तथा पानी 3%। लाख के गुण। लाख पानी में घुलनशील नहीं होता किंतु एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। लाख का यह गुण विद्युत तारों को विद्युत रोधी करने में अत्यंत लाभकारी है। गर्म करने पर लाख आसानी से आग पकड़ लेता है। लाख में चिपकने का गुण होता है। लाख को जब एल्कोहल में मिलाया जाता है तब इसमें बंधन गुण आ जाता है। लाख कमजोर क्षार जैसे अमोनिया में भी घुलनशील होता है। लाख ताप का कुचालक है। लाख उत्पादन के शत्रु। लाख उत्पादन जीवी अजीवी दोनों ही कारकों द्वारा नष्ट किया जाता है। अजीवी शत्रु तेज प्रकाश, उच्च तापमान, अधिक नमी, भारी वर्षा तथा वायु अजीवी शत्रु है। जीवी बायोटिक एनिमीज में लाख उत्पादन के मुख्य जीव शत्रु स्तनी तथा कीट है। कई
कृष्णा स्वामी एवं अन्य 1957, 1959 तथा गैपुले पूरे एवं अन्य 1963 के अनुसार गिलहरी, चूहे तथा बंदर लाख की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं।